नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है। अंबाड़ा गांव में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान थे। गांव की युवा पीढ़ी गांव में ही आसानी से अवैध रूप से शराब मिल जाने से नशे के शिकार हो रहे थे, जिससे ग्रामीण खासे परेशान थे। लेकिन आखिर गांव में कैसे अवैध रूप से शराब पहुंचती है, इसका पता लगाने के लिए गांव के जागरूक नागरिकों ने पता लगाया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। गांव में बिस्किट, किराना सामान और पतंजलि के उत्पाद सप्लाई करने के आड़ में गांव में अवैध रूप से शराब पहुंचाई जा रही थी। सोमवार को जब सामान से भरी जीप गांव में आई तो ग्रामीणों ने घेराबंदी करके कार्टून चेक किए, जिसमें बिस्किट और किराने के सामान की जगह अलग अलग तरह की शराब पाई गई। ग्रामीणों ने वाहन और चालक को पकड़कर इसकी सूचना नेपानगर SDM विशा माधवानी को दी। सूचना पर विशा माधवानी ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी जब्त कर पुलिस के हवाले किया। SDM विशा माधवानी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग आबकारी विभाग को कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मौके पर पंचनामा बनाया गया है और जब्ती की उसमें पूरी कार्रवाई की गई है। TI को बता दिया है, गाड़ी जब्त करके यहाँ खड़ी है, प्रकरण आगे भेजा जाएगा कार्रवाई के लिए। कितनी पेटियां शराब भरी अभी उसमें वही काउंटिंग अभी चल रही है, उन्होंने पंचनामा बनाया है। क्योंकि पेटी नहीं है, वो सेपरेट हैं। कुछ बियर की बॉटल हैं 750-600 ml वाली, कुछ 100-150 ml वाली हैं, तो उसकी पूरी काउंटिंग अभी चल रही है। जो चलती गाड़ी में उन्होंने शराब फेंकी है, पेटियां फेंकी है, वो भी काउंटिंग में आएंगी? बिल्कुल, हमने वहाँ से टुकड़े भी जब्त किए हैं। जो टूटे हुए टुकड़े हमें मिले, जो उन्होंने नाली में फेंक दी थी पहुँचने से पहले ग्रामीणों द्वारा जैसा बताया गया, तो वो टूटे भी हमने जब्त किए हैं और उसकी भी काउंटिंग करेंगे। पूरे बुरहानपुर जिले में गाँव में राशन की दुकान पर, पान की दुकान, हर जगह अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। वैसे ही लॉकडाउन के कारण बुरहानपुर जिला और पूरे देश में आम जन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है। पारिवारिक झगड़े बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से शराब परोसने का काम जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ठेकेदारों के संरक्षण देकर किया जा रहा है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया सम्मानित कलेक्टर महोदय, SP महोदय को कि तुरंत इसकी रोक लगाई जाए। शराब ठेकेदार द्वारा स्वयं भी गाड़ी से जो गाँव में शराब बेच दी जा रही है उसको तुरंत रोक लगाई जाए और हमारे बुरहानपुर जिले के युवाओं को और परिवार के, बुरहानपुर जिले की महिलाओं को इससे भविष्य के झगड़ों से निजात दिलाई जाए। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।